मैं मनीष गुप्ता आपका अपने चैनल मनीष गुप्ता की किचन में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने गुजरात का बहुत फेमस स्नैक्स ढोकला, जिसे आप स्नैक्स में ले सकते हैं, जिसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आज हम वो बनाएंगे। आइए चले ढोकला बनाने के लिए एक कटोरी बेसन ये हमने डाल लिया। बेसन को आप छान लेना, जो उसके लम्स हैं वो निकल जाएंगे। ये जितना बेसन उतनी ही सूजी, एक कटोरी सूजी। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार हम डाल लेंगे। जितना बेसन उतनी सूजी, उतना ही दही, एक कटोरी दही। अब इसको हम बीट करेंगे। अच्छी तरह से बीट करना है ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। अगर ये गाढ़ा होता है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हम बीट करते रहें। इसमें हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे और हाफ लेमन यूज करेंगे। इसको हम दोबारा से बीट करेंगे। इसको बीट करते जाएंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। ये मिक्सचर हमारा गाढ़ा है, इसके लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम ज़्यादा भी ऐड नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए। पानी और ऐड करेंगे इसमें हम। और अब पिंच ऑफ टर्मरिक इसमें यूज़ करेंगे, उसको फिर बीट करेंगे। इसको 7 से 8 मिनट कम से कम हमें बीट करना है। ये हमारा बैटर तैयार हो गया। इसकी जो कंसिस्टेंसी है शुड बी लाइक दैट। अब इस पे हम 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। हमने 10 मिनट का रेस्ट दिया है अपने मिक्सचर को और अब हम 10 मिनट में अपने गैस जला लेंगे। ये जो बनता है डबल बॉइलिंग पे बनता है, लेकिन एक बात का आपने खास ध्यान रखना है कि जब पानी उबले तो वो उस डब्बे को टच ना करे जिस डब्बे में बन रहा है, अदरवाइज वो स्टिक कर जाएगा। मेरे पास देखिए कि मैंने स्टैंड रखा है, पानी के ऊपर स्टैंड रखा और पानी की जो का जो लेवल है वो स्टैंड से कम है, ताकि जब ये उबले तो केवल सिर्फ उसकी जो स्टीम है वो उस मिक्सर को लगे। अब हम 10 मिनट में ये पानी भी उबल जाएगा और 10 मिनट में हमारा मिक्सचर भी रेडी हो जाएगा। तब तक इसको हम कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद ये हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। बिल्कुल लास्ट में आके ये इनो है, हम एक पैकेट डाल देंगे। ये बिल्कुल लास्ट में डालना है। इसको फुलाएगा और अब एकदम
हमने डब्बा तैयार किया है। इस डब्बी को हमने तेल से पूरा ग्रीस कर लिया है और अभी ये मिक्सचर इसके अंदर हम एकदम स्मूथ कर लेंगे। हमारा पानी तैयार हो गया है, अब स्टैंड के इसको ऊपर रखेंगे हम और 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे। जब तक ये हमारा तैयार होता है तब तक हम इसका लिक्विड मिक्सचर तैयार कर लेंगे जो हम इसके ऊपर डालेंगे लास्ट में। उसके लिए हम गैस ऑन कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा पानी, ये हमने पानी ले लिया। पानी में हम शुगर डालेंगे, गुजराती पीपल जो है वो खट्टा मीठा पसंद करते हैं तो हम खट्टा मीठा पानी बनाएंगे। ये हमने शुगर डाल दी, देखिए हमने यहाँ पे एक लेमन डाल लिया। इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। अब इसमें दोनों खट्टा मीठा दोनों हो गया है, ये हम लास्ट में ढोकला के ऊपर डालेंगे। यहाँ से 10 मिनट में हमारा ढोकला भी तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा ढोकला एकदम फ्लफी बन गया है और इसको हम चेक करेंगे नाइफ डाल के और इसको एकदम आराम से बाहर से निकालेंगे। ये देखिए हमारा, ठीक है। अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे 5 मिनट बाद और इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे रूम टेम्परेचर। ये हमारा बनके रेडी हो गया है, ये देखिए अब कितना फ्लफी है। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए हमने पैन लिया। पैन में सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। जैसे ये ऑयल गर्म होगा इसमें डालेंगे हम बाद में मस्टर्ड सीड्स। हमारा तेल गर्म हो गया है, सबसे पहले हम मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड जैसे स्प्लैटर करेगा, देखिए मस्टर्ड सीड, इसको हम स्प्लैटर होने तक करेंगे। जैसे स्प्लैटर हो जाएगा हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। करी लीव के बाद डालेंगे हम ग्रीन चिली, ये मैंने स्लाइस में काटी हुई है। हमने जो चाशनी तैयार की थी अब इसमें हम डाल देंगे। ये मेरे पास टैमरिन का पानी है, टैमरिन मतलब इमली, और इसमें डाल देता हूँ। एकदम खट्टा मीठा बनेगा ये।
मेरे पास नींबू है, ये नींबू भी नहीं डाल दिया उसमें। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम दो कलक ऊपर डालेंगे। जब हमारा रेडी हो जाएगा इसको हम नाइफ से काट लेंगे। स्क्वायर कटिंग करेंगे। ये हमारा कट गया है। अब हमने जो उसका टेम्परिंग तैयार किया था वो टेम्परिंग इस पर डालेंगे। इसको आप सूखा भी खा सकते हो चाय के साथ। अब ये रेडी है। ये देखिए मैंने इसका एक पीस निकाला है। कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक दैट। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम जाली जो इसकी बराबर आनी चाहिए। अब ये हमारा प्लेटिंग के लिए भी तैयार हो गया है। अब ये ढोकला बन के रेडी हो चुका है। इसको आप सॉस के साथ खाइए और इन्जॉय करिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।